इस लेक्चर में हम लोग थ्री फेज पावर मेजरमेंट को समझेंगे यूजिंग थ्री वाट मीटर मेथड एंड वन वाट मीटर मेथड ए सर्किट में पावर को मेजर करने के लिए वाट मीटर का यूज़ करते हैं वाट मीटर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करेंट कोयल एंड पोटेंशियल कोयल से मिलकर कंसिस्ट होता है करेंट कोयल का रेजिस्टेंस लो रहता है एंड वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है एंड लोड करेंट को कैरी करता है एंड जो पोटेंशियल कोयल है

टू मेजर द पावर वेर पावर कंज्यूम्ड बाई द इज लोड डिटरमाइंड सेपरेटली डाइग्राम में थ्री फेज फोर वायर स्टार कनेक्टेड लोड है आर वाई एंड बी थ्री फेज है एंड एक न्यूट्रल टर्मिनल है दैट इज एन इसमें फेज इम्पिडेंस जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री है एंड थ्री फेज के क्रॉस थ्री वाट मीटर्स कनेक्ट है दैट इज डब्लू वन डब्लू टू एंड डब्लू थ्री तीनों वाट मीटर का जो करेंट क्वाल है वो फेज वायर से कनेक्ट है एन आर फेज वाई फेज एंड बी फेज एंड तीनों वाट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है वो कॉमन न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट है दैट इज़ एन इसमें थ्री फेज पावर को मेजर करने के लिए तीनों वाट मीटर्स का रीडिंग लेंगे एंड उसका एडिशन कर देंगे तो थ्री फेज पावर को कैलकुलेट कर पाएंगे दैट इज थ्री फेज पावर इज इक्वल टू डब्लू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री डब्लू वन इज इक्वल टू वी वन आई वन डब्लू टू इज इक्वल टू वी टू आई टू एंड डब्लू थ्री इज इक्वल टू भी थ्री आई थ्री थ्री वाट मीटर विथ डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम कुछ इस तरह रहता है थ्री फेज टर्मिनल को आर वाई एंड बी से दिखाया है एंड इसमें जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री लोड इम्पीडेंस है इसमें वाट मीटर का कनेक्शन इस तरह से रहता है दैट इज डब्लू वन डब्लू टू एंड डब्लू थ्री तीनों वाट मीटर का करेंट क्वाइल फेज इम्पीडेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है एंड तीनों वाट मीटर का जो पोटेंशियल क्वाइल है वो फेज इम्पिटेंस के साथ पैरल में कनेक्ट रहता है एंड दिस थ्री वाट मीटर्स के हेल्प से एक्टिव पावर को मेजर करेंगे इसके थ्योरी को आप इस तरह लिख सकते हैं इन थ्री फेज पावर मेजरमेंट इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन थ्री वाट मीटर्स आर यूज टू मेजर थ्री फेज पावर द करेंट कॉइल ऑफ ईच वाट मीटर कनेक्टेड टू द फेज वायर इन सीरीज एंड पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड टू दैरल एक्रोस द फेज टर्मिनल एंड यहाँ पर भी तीनों वाट मीटर का रीडिंग लेंगे एंड उनका एडिशन करेंगे टू गेट थ्री फेज पावर दैट इज़ थ्री फेज पावर इज इक्वल टू डब्लू वन डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री नाउ हम लोग देखेंगे वन वाट मीटर के हेल्प से थ्री फेज पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं सिंगल वाट मीटर मेथड का लिमिटेशन यह होता है कि इससे अनबैलेंस्ड लोड को मेजर नहीं कर सकते हैं सिंगल वाट मीटर मेथड का यूज़ ओनली बैलेंस्ड लोड को मेजर करने के लिए किया जाता है सो अंडर दिस कंडीशन वी हैव आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू आई एंड भी वन इज इक्वल टू भी टू प्लस भी थ्री इज इक्वल टू भी यहाँ पर थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट है एंड एक वाट मीटर कनेक्ट है विथ आर फेज इस टाइप के मेथड का यूज़ बैलेंसड लोड में पावर मेजरमेंट के लिए किया जाता है वाट मीटर का करेंट क्वन फेजार के साथ सीरीज में कनेक्ट है एंड इसके पोटेंशियल कोयल को एक बार वाई फेज से कनेक्ट करके रीडिंग लेंगे एंड एक बार बी फेज से कनेक्ट करके रीडिंग लेंगे इस प्रोसेस के दो स्विचेज लिया है जिसको वाई एंड बी से डिनोट कर रहे हैं दोनों स्विच को सेपरेटली ऑन करेंगे विथ फेज वाई एंड फेज बी एंड उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट थ्री फेज पावर स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज भी एल इज इक्वल टू रूट थ्री भी होता है वी पी इज़ द फेज वोल्टेज एंड फेज करेंट लाइन करेंट के इक्वल होता है दैट इज़ आई पी इज इक्वल टू आई एल थ्री वाट मीटर मेथड का अगर एडवांटेज देखें तो इस टाइप का जो मेथड होता है इसके हेल्प से हम लोग इंडिविजुअल फेज में पावर को मेजर कर सकते हैं थ्री वाट मीटर मेथड के हेल्प से फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं इसके हेल्प से इन द दबसेंस ऑफ न्यूट्रल वायर एक डुप्लीकेट न्यूट्रल वायर को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें हम लोगों को थ्री वाट मीटर का रिक्वायरमेंट होता है जिससे कॉस्ट जो है वो सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है दिस मेथड इज़ हाई सेंसिटिव टू हैवी लोड्स थ्री वाट मीटर मेथड का वेरियस एप्लीकेशन होता है लाइक like, यूजुअली इसका यूज पावर सिस्टम में किया जाता है इसका यूज रेफ्रिजरेटर्स इलेक्ट्रिकल हीटर्स में किया जाता है थ्री वाट मीटर मेथड का यूज़ इंडस्ट्रीज में किया जाता है फॉर मेजरिंग पावर रेटिंग एंड पावर कंजप्शन इंडस्ट्री में डिफरेंट लोड्स कनेक्ट रहता है तो वो कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है पावर कंजप्शन को मेजर करने के लिए थ्री वाट मीटर मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस और इक्वमेंट्स जो रहता है वो ए सी सप्लाई करता है एंड उसके अक्रॉस ए सी पावर डिसिपेट होता है मतलब एनर्जी का कंजप्शन होता है सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है उसको हम लोग वाट मीटर के हेल्प से मेजर करते हैं इन द टर्म वाट्स किलो वाट्स और मेगा वाट्स एडवांटेज ऑफ सिंगल वाट मीटर मेथड वन वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट में हमें ओनली वन वाट मीटर का रिक्वायरमेंट होता है जो कि सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है सिंगल वाट मीटर मेथड को यूज करना काफ़ी ईजी होता है एंड नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेसन्स इसका अगर देखें तो सिंगल वाट मीटर मेथड का यूज़ हम लोग अनबैलेंस्ड थ्री फेज लोड्स को मेजर करने के लिए नहीं कर सकते हैं एंड इसके हेल्प से हम लोग सिंगल फेज लोड्स को भी मेजर नहीं कर सकते हैं सिंगल और वन वाट मीटर मेथड जो है वो काफ़ी सिंपल होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है टू मेजरिंग द पावर ऑफ बैलेंस्ड थ्री फेज लोड वाट इज़ वाट मीटर वाट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए किया जाता है जो वाट मीटर है वो दो कॉयल से मिलकर कंसिस्ट होता है दैट इज करेंट कॉयल एंड पोटेंशियल कॉल वाट मीटर दो टाइप का होता है इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर वाट मीटर जिसका यूज डीसी एंड एसी बोथ पावर मेजरमेंट के लिए किया जाता है एंड नेक्स्ट है इंडक्शन वाट मीटर जिसका यूज़ ओनली एसी पावर मेजरमेंट में किया जाता है वर्किंग ऑफ इंडक्शन टाइप वाट मीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन इंडक्शन वाट मीटर जो है वो दो लेमिनेटेड इलेक्ट्रो से मिलकर कंसिस्ट होता है दैट इज संट मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट। संट मैग्नेट सप्लाई के एक कनेक्ट रहता है एंड करेंट को कैरी करता है जो कि सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है संट मैग्नेट का जो क्वाइल रहता है वो हाईली इंडक्टिव होता है जिसके कारण वहाँ पे करंट लैग होती है फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री एंड जो सीरीज मैग्नेट रहता है वो सीरीज में कनेक्ट रहता है विथ सप्लाई वो लोड करंट को कैरी करता है एंड सीरीज मैग्नेट का जो क्वाइल है वो नॉन इंडक्टिव होता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें